वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज, आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा? मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जीतने का महीना है, टॉप पर रहेंगे। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, आपको नेम फेम मिल सकता है, आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपको ऐसा मालूम होगा जैसे आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करेंगे। अब आप अपनी एनर्जी अपने प्रोफेशनल को बेहतर बनाने पर खर्च करेंगे। 10 मई से मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और ये जून के आगाज़ तक रहेगा। तो 10 मई के बाद आपने अपनी बोलचाल में बहसों मुबासों में बच के रहना है। 10 मई के बाद आपने अपने जज्बात कंट्रोल में रखने हैं। बहुत से मामलात में आपको मुहतात रहना पड़ेगा और ख़ासकर 24 मई को मरकरी का रोलिंग प्लैनेट मार्स के साथ होगा, तो इस दौरान आपने झगड़ों से बचना है, बहसों मुबासा से बचना है। तो मई के महीने में आपने ये बात जहन में रखनी है कि मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। आपके रिश्तों में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं और 7 मई से सूरज और मार्स की जो पोजीशन है वो आपके अंदर एक एतमाद लेकर आएगी। आप बड़े पुर एतमाद रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और 2 मई से मोहब्बत का सियारा वीनस आपके मामूलात आपके देखभाल वाले घर में दाखिल होगा, तो आपकी तवज्जो अपने आप पर रहेगी, खुद को बेहतर बनाएंगे, कहीं ना कहीं आप खुद पसंद भी रह सकते हैं, नरगिसियत का शिकार हो सकते हैं। आप लोग अपनी केयर करेंगे, वो तमाम हमली लोग जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त नए रिश्ते बनते जुड़ते नज़र आ रहे हैं और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके रिश्तों में खूबसूरती बढ़ेगी, दिलकशी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप लोग अपने कामों में बड़े एफिशिएंट रहेंगे, अपने कामों में आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपके पास वक्त गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा, लेकिन आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप शादी का पैगाम भिजवाएं। मई में आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी तय होने के इम्कानात हैं। और जो सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, अब उनका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। रिश्तों के मामलात में जो रुकावटें थीं अब वो रुकावटें दूर होंगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। और जो शादीशुदा हैं उनके लिए मई का महीने का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा, कामयाबियां मिलेंगी, एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पहले मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे और उन इख्तलाफात की वजह से दूरियां आ गई थी, तो अब वो झगड़े इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। अगर कोई अदालती मामला आ गया था तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता चलते चलते अदालत तक पहुंच गया था तो अब आप लोगों की आपस में सुलह हो सकती है। शादीशुदा लोग कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते हैं, आउटिंग का प्लान बना सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी थोड़ी कंफ्यूज रहेगी, रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर टेंशन रह सकती है, तो आपने बाहर के लोगों से फासला ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। अपने घर को टाइम दें, बाहर के लोगों के झगड़ों में पड़ने का वक्त नहीं है। इसके साथ साथ आपकी अपने वालिद के साथ झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ बड़ी एहतियात के साथ बात करनी है। और वैसे भी जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि आपने बहसों मुबासों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, और ख़ासकर पहले 15 दिन तो आपने अपनी रिश्तेदारियों में, बाहर के झगड़ों में, बाहर के मामलात में, अपने दोस्तों के मामलात में, गली मोहल्ले अपनी सोसाइटी के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर आप दूसरों के मामलात में गए तो आपका झगड़ा हो सकता है, और इस मामले में भी 15 मई के बाद
मामलात बेहतर हो जाएंगे, झगड़े टेंशन्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई झगड़े चल रहे थे तो वो भी एक समझौते पर आ जाएंगे। हाँ, कारोबार के हवाले से ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अब मई में आप लोग जो भी काम शुरू करेंगे आप पहले से बेहतर अंदाज में शुरू कर सकेंगे। आप अपने माजी के तजर्बा से सीख सकेंगे। मई के महीने में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो कर्ज़ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार आपको कर्ज़ मिल जाएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उन्हें अपने काम की जगह पर कुछ मिले जुले रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको काम की जगह पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, वर्कलोड रहेगा। तो अगर आपने अपना फोकस अपने काम पर रखा तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। हाँ, काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात को अच्छा बना के रखना है। किसी के साथ झगड़ों में, बहसों मुबहसों में नहीं पड़ना। अगर आपने बैरून मुल्क किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो अब आपको वहां से खुशखबरी मिल सकती है, आपकी जॉब हो जाएगी, आपकी पसंद की जगह पर जॉब हो जाएगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए 15 मई के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो जाएगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी बूस्ट पकड़ेगा। 15 मई के बाद किस्मत आपका साथ देगी। 15 मई के बाद आपको कारोबार के हवाले से सफ़र करना पड़ेंगे और उस सफ़र से आपको फ़ायदे भी होंगे। आपकी कुछ अहम कारोबारी लोगों से मुलाकातें भी होंगी और वो मुलाकातें इन फ्यूचर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वक्त आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। और अगर हम बात करें पैसों की तो पैसों के हवाले से मई का महीना तो अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के शुरू में आपके अखराजात अचानक बढ़ जाएंगे। आपकी जमा की हुई रकम खर्च हो सकती है, बेकार कामों में खर्च हो सकती है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ में 15 मई के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, कारोबार तरक्की पकड़ेगा और पैसा भी आएगा। आप मुख्तलिफ सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं। आप अपने कारोबार को बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। आप लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और सेहत के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगी, सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। अगर आपके घर में फैमिली में कोई बीमार था तो उसकी भी सेहत बेहतर होगी। बहरहाल मई के महीने में आपने जंक फूड से बचना है, वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।